हरे कृष्ण श्रीमद भगवत गीता मौलिक रूप से तृतीय अध्याय कर्म योग श्लोक पांच नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कुर्त कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कुर्त कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणैः प्रकृति जात गुण जगु समस्ते कर्म करिबा को बाध्य होंति केही क्षणीय सुधा कर्म न करी रही परिबो नाही भावार्थ सर्वथा कर्मठ हेबा हेउचे आत्मार प्रवृत्ति एहा शरीरर धर्म नहे चिदात्मार उपस्थिति बिना ए शरीर चलप्रचल होई परिबो नाही ये शरीर हेउची एक मृत जान सदृश आत्मा एहाकु कामरे लगाइबा निमित्त तयारी होई अछि आत्मा सर्वदा कर्मठ से क्षणे सुद्धा बंद होई रही परिबो नाही तेणु से आत्मा कृष्ण चेतना कर्मरे निजुक्त हेबा उचित नचेत एही आत्मा माया शक्ति द्वारा कबलित होई माया कर्मरे निजुक्त होई जीव माया शक्ति बा भूत प्रकृतिर संस्पर्शरे आसिले आत्मा भूत प्रकृतिर गुण लाभ करे तेणु आत्मा को भौतिक दोषरु मुक्त करिबा निमित्त ताहाकु शास्त्रानुमोदित कर्मरे लगाइबाकु पड़िबो जदि आत्मा स्वभाव वशतः कृष्ण चेतनारे बा कृष्ण कर्मरे निजुक्त हो जाए ताहाले खूब भल जहा से करिबाकु सक्षम जदि आत्मा कृष्ण चेतनारे कर्म करे ताहाले ताहा खूब भल श्रीमद् भागवतम रे एक कथा कुहा जायछि तिक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुज हरेर भजन अपकोथ अपतेत जतो जदि जतो क्रोबा भद्र अभुद अमुष्य की कोवार्ताप्त भजतं सो धर्मत तिक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुज हरेर भजन अपकथो पतेत ततो जदि जत्र को बा भद्रम अद्भुत अमुष्य किं को वार्थ आप्तो अभजतं स्वधर्मतः अर्थात जदि केहि शास्त्र निर्देश अनुजाई कर्म न करी किंबा ठीक भावरे भक्ति मार्ग अवलंबन न करी कृष्ण चेतना ग्रहण करे ताहले तार किछि खेती नाही से जदि अधोपतित हो जाए ताहले मध्य तार किछि खेती नाही किंतु जदि कृष्ण चेतनशील न होई विशुद्ध हेबा निमित्त समस्त शास्त्र विधि ग्रहण करे ताहाले सेथिरे फल कण तेणु कृष्ण चेतना स्तर रे पहुँचवा निमित्त संस्कार क्रियार आवश्यकता अछि सेइतिपई सन्यास किंबा जे कोनोसी प्रकार संस्कार क्रिया केवल मात्र व्यक्ति को अंतिम लक्ष्य कृष्ण चेतना निमित्त सहाय्य करे किंतु ये सबु सत्य जदि व्यक्ति कृष्ण चेतना लाभ न कला ताहाले तार सबु वृथा होई गला हरे कृष्ण धन्यवाद।